Para entender. Mas o último que escutou Apple é Apple até que pode trocar o patinho que só vem de Apple nem chamar o pai nem. Quem é? Não é dia é, ou menos dia é. Apple e chão e que não tem que ficar. Ele foi e chão. Ele foi como ele que ganhou. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भारत माला बचपन यात्रा को लेकर निकली राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी. हम उनसे बात करेंगे बीकानेर दौरे पर हैं क्योंकि बीकानेर क्षेत्र में आज वे दौरा करने वाली हैं. मैम क्या कहना चाहेंगे? भारत माला बचपन यात्रा एक अनूठा प्रयास है और एक सकारात्मक पहल है जिसमें कि हम बाड़मेर से चार जिले हमारे राजस्थान में सीमावर्ती क्षेत्र से लगते हैं, एक बाड़मेर, एक जैसलमेर, एक बीकानेर और एक श्रीगंगानगर, और ये एक एक दो दो किलोमीटर या पाँच किलोमीटर तक के दायरे में जितने भी गाँव ढाणियाँ और ब्लॉक्स आते हैं हम उनमें हर ब्लॉक में छः छः सात सात गाँवों में जाकर वहाँ की वस्तुस्थिति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति और उससे जो चुनौतियाँ बच्चों के जीवन में आ रही हैं या जो हैं हम उनको देख रहे हैं, प्लस वहाँ की आंगनबाड़ियाँ, वहाँ के स्कूल, वहाँ के हॉस्टल्स और वहाँ की जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं, पानी की जो चुनौतियाँ हैं, टाके की जो स्थितियाँ हैं, और सरकारी योजनाओं से उनको जोड़ना, कनेक्ट करना और उनका लाभ उनको पहुँचाना मिल रहा है या नहीं, तो ये पूरी एक एनालिटिकल रिपोर्ट तैयार करने के लिए हम पूरा निकले. जहाँ तक हम बच्चों की बात करें, बॉर्डर क्षेत्र के अंदर जो बच्चे हैं उन बच्चों में जो जो अभी भी वही हालात हैं जो आज से काफी साल पहले जो हालात है उन बदलाव आया है. पहले बेटियां बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी सर, अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबको याद है, बहुत चेंज आया है. और आप ताज्जुब करोगे बच्चियों ने वहाँ पे 12वीं कक्षा तक भी की है और 72% भी ला रही है और आगे आपके जो कोटा में वहाँ के बच्चे कोटा तक भी पढ़ने जा रहे हैं. तो चेंजेस तो आ रहे हैं, वो दूर है वो बात अलग है, सूरज भी निकलता है तो सर धीरे धीरे हर जगह प्राथमिक संसाधनों का भी अभाव वहाँ पर माना जाता है. बॉर्डर एरियाज का जो डेवलपमेंट वर्क है वो भी एक तरह से पूरी तरह से हो नहीं पा रहा. नहीं नहीं, मैं आपको बच्चों की बात तो बहुत बड़ी मैं आपको बताना चाहूंगी, डेवलपमेंट वो रोड तो सारी बिल्कुल सही है और वहाँ पे डेवलपमेंट बीएसएफ अपनी तरफ से, बीएसएफ खुद भी उसमें ध्यान दे रहा है, लेकिन मैं आपको ताज्जुब बताना चाहूंगी इस तरफ से इस तरफ निकलकर कितनी भी भौगोलिक परिस्थितियां हो, कैसी भी स्थितियां हो, लेकिन अगर हम हैप्पीनेस का इंडेक्स देखते हैं तो मुझे लगता है उस बेल्ट में आज भी बहुत ज्यादा है. और दूसरा पशुधन का जो उनका मुख्य व्यवसाय है वहां पर वो लोग स्वयं, उनकी मानसिकता जब मैं उनकी गाँवों में बैठी ढाड़ियों में बैठी और लोगों के साथ मिली जुली तो वहां मुझे पता चला कि वो इसलिए बच्चों को पढ़ाने में झिझकते हैं कि फिर ये भेड़ बकरी नहीं चराएंगे. तो हमने कहा ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने के बाद कोई भेड़ बकरी नहीं चरा सकता, चरा सकते हैं, लेकिन अगर आप इन कामों को करोगे और पढ़ाई करोगे तो आप एक अच्छी जिंदगी और जी सकते हो, खूबसूरत, और हो सकता है आप में से ही कोई आपकी तरह इस तरीके से कैमरा लेके खड़ा हो और मेरी तरह से कोई जवाब दे रहा हो. सो पढ़ना भी जरूरी है. तो कुल मिलाकर बच्चों में खुशियां आनी तय है? जी हाँ, कंफर्म वो खुश हैं और होंगे. थैंक यू. तो ये थी मनन चतुर्वेदी जिनका कहना है कि बच्चों में जो खुशियां आनी तय है भारत माला बचपन यात्रा को लेकर ये निकली हुई हैं और अब देखने वाली बात ये होगी बॉर्डर क्षेत्र में किस तरह से ये अपना काम कर दिखाती हैं. के सिंह समा राजस्थान बीकानेर.